इंदौर प्रदेश का तेजी से विकसित होता शहर है। यहाँ विकास की इस भागीदारी में कलम के सिपाहियों का भी खास योगदान रहता है। ऐसे ही प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चुनिंदा पत्रकारों का सम्मान स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी की स्मृति में किया गया। शहर के अलग अलग विधाओं में अपनी श्रेष्ठता दिखाने वाले 61 पत्रकारों को इंदौर प्रेस क्लब में 27 मार्च यानी बुधवार को सम्मानित किया गया। इसमें 21 वरिष्ठ पत्रकारों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्योगपति और समाज सेवी महावीर प्रसाद मानसिंगा थे। अध्यक्षता पद्मश्री अभय छजलानी ने की। विशेष अतिथि पारस दूसरी थे। अतिथियों का स्वागत अभिषेक रघुवंशी, अनमोल तिवारी, अंबर नायक, हितेश शर्मा, संजय यादव आदि ने किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से शशेंद्र जलथारी, कीर्ति राणा, संजय जोशी, नवनीत शुक्ला, जितेंद्र जाखेतिया, जितेंद्र व्यास, प्रदीप मिश्रा, कमलेश्वर सिंह, भरत पाटिल, नीलेश राठौर, प्रियंका जैन, देश पांडे आदि पत्रकारों का सम्मान किया गया। पंचकोशी यात्रा में अपना ये होता था कि 5 दिनों तक लोगों को अपने साथ खाने की सामग्री लेकर के पैदल जंगल जंगल चलना पड़ता था। जब ये बात आदरणीय मानसिंह साहब को पता चली तो उन्होंने कहा कि मान समारोह का पार्ट बना। मुझे बताया गया आज इस पत्रकारिता के क्षेत्र में जिन भी लोगों ने नए नए आयाम पर इस पत्रकारिता को पहुंचाने में मदद की है और विशिष्ट कार्यों के लिए आज उनका यहाँ सम्मान किया जाएगा, बहुत ही गौरव की बात है। प्रजातंत्र का एक प्रहरी पत्रकारिता होती है जो समाज के सामने एक आईने के रूप में वस्तुओं को चित्रित करती हैं। आज की तारीख में हम टीवी या सोशल मीडिया से कितने ही नज़दीक आ गए हों, लेकिन जब तक सवेरे का पेपर और दिन का पेपर पढ़ नहीं लेते तब तक ऐसा लगता है जैसे सारी चीज़ें अधूरी हों। पत्रकारिता के दिग्गज जो भी यहाँ पे आएंगे उन सबको पूर्व में बधाई देना चाहता हूँ, साथ ही साथ ये कामना करता हूँ ये समारोह जो सतत चलते आ रहा है आगे भी इसी तरीके से चले और इस कार्यक्रम को विस्तृत रूप देते हुए आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हम जितने लोग यहाँ मौजूद हैं वो सब के सब कम से कम अपने घर जाने के बाद या अपने मित्रों को यहाँ जाने के बाद बहुत मौके से अपना भोजन तो देते ही हैं। क्या हम यहाँ बैठ करके ये बात सोच सकते हैं कि आज का इंदौर भोजन के लिए नहीं पर आज का इंदौर कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है और हम उसको उसके कहां से कहां तक ले जाना चाहते हैं। जो संस्था जिसमें हम आज बैठे अपने आप को पत्रकारिता के बारे में बैठने की और बात करने की बात कर रहे हैं तब कहीं हमारे मन में ये बात कहीं ना कहीं चुभ नहीं रही है क्या कि हम इंदौर को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। जो लोग जो एनजीओ अच्छे काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन के लिए पत्रकारिता में पत्रकारों को सहयोग की आवश्यकता है और वो सहयोग मैं समझता हूँ कि आप लोग दे रहे हैं और देते रहेंगे। इस समारोह में मुझे आमंत्रित किया उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।